बंदे ना टैलेंट है, ऐसी बात नहीं, टैलेंट है भाई बंदे में, ऐसी बात नहीं। एक रफली रफली कपड़ों से शरारा बनाना, ये जी आपने बोला है ना, दिल छू लिया। हाँ दिल छू लिया, नाइस। कमरे ले सकते धीरे धीरे, बर्तन आ रहे आगे तरक्की पे, उधर वाले शौक ऐसे ही तरक्की होती है, ऐसे ही तरक्की होती है। जब अपना साथ का कोई बंदा आ जाए तो अच्छी, मुझे बहुत खुशी हुई आपने ये सैलून लाइन भी ज्वाइनिंग करा, और उसके बाद आप यहाँ पे भी मतलब पे बहुत कुछ सीख रहे हो और बहुत कुछ आपको नॉलेज आ चुका है, और आगे ऐसे ही बढ़ो। आपके पास पहले से ऑलरेडी इतना अच्छा टैलेंट है, अगर ये चाहते हैं तो इनको फैशन डिजाइनर है सर का, सर से बात कर सकता है। और मैं चाहता हूँ कि आप फैशन डिजाइनर बनो, ये मेरी दुआ है। और जितने भी आपको सीखना है, एक्टिविटीज़ करनी है, सीखो करो, अच्छी बात है। मैं इससे पहले मैंने बहुत अच्छी जगह जॉब भी की है, मैं गोरखपुर में भी जॉब करके आया हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी मैं इवेंट प्लानर में था, वहाँ पे मतलब जो इवेंट्स होते हैं बड़े शादी वादी, तो उसमें जितने भी प्लान्स होते थे सब हम करते थे, ठीक है। और IDFC जो मतलब IDFC बैंक था, ठीक है, मैंने लोन डिपार्टमेंट में भी कॉलिंग कर रखी है, IDFC बैंक, HDFC बैंक, ये सारे बैंक से मैंने टाइप था, तो मैंने कॉलिंग की जॉब भी 6 साल से कर रखी है, 6 साल का मुझे एक्सपीरियंस है कॉलिंग का। बट एक होता ना इंटरेस्ट की बात, उन सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा, मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट लगा सैलून लाइन में, तो मैं आया। फिर मेरी फर्स्ट जॉब थी सैलून लाइन में, द हेयर कैसल में, तो यहाँ पे मैं आया। यहाँ पे हमारे जो मतलब जितने भी स्टाफ हैं, सुमित सर हो गए, शाहरुख सर हो गए, फिजान सर हो गए, नदीम सर, संपत सर, पूजा मैम, आरती मैम, इन सब ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, संपत सर ने मुझे ड्रायर करना सिखाया, ठीक है। आरती मैम ने आईब्रो का तरीका बताया कि आईब्रो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें करना है, फेस बैक जो हो गई, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एक सर और थे, हम सर का नाम क्या था, उन सर का नाम क्या था, समीर सर, उन्होंने फर्स्ट मुझे वॉश करना, मतलब वो अपने सारे मुझे कस्टमर देते थे कि आप वॉश करो वॉश करो वॉश करो, उन्होंने वॉश करना सिखाया। नदीम सर ने मुझे क्लीनअप सिखाया, शाहरुख सर ने मुझे फेशियल दिया अपने क्लाइंट का, वो भी 2600 का, वो भी O3 का। उन्होंने मुझे बोला कि मतलब एक बिना भेजे बिना डर से उन्होंने बोला कि तू कर, मैं पीछे खड़ा हूँ, कोई गलती होगी तो मैं लूँगा। संपत सर ने मुझे कैरेटीन के लिए बहुत बार आगे खड़ा किया कि आप तुम कैरेटीन कर कि मैं हूँ मैं देखूँगा। सुमित सर ने मुझे मेकअप में बहुत मतलब चीज़ें बताई कि हमें कैसे करना चाहिए, हेयर स्टाइलिंग कैसे चाहिए करनी चाहिए, किस तरह से मतलब प्रोडक्ट हमें नॉलेज जो होती है, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में, बट कभी भी मैं पूछता हूँ किसी से भी हमारे स्टाफ में, पर कोई ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं बताता होगा, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटिव हो, चाहे वो केमिकल वर्ड से रिलेटिव हो, चाहे हेयर कट से हो। नदीम सर ने तो मुझे बहुत बार हेयर कट करवाया भी है, फिजान सर ने भी मुझे हेयर कट एक बार दिया था करने के लिए, मैंने किया भी था, उन्होंने फिर जो गलती थी उसको सुधारा भी था क्लाइंट के। बट बहुत अच्छा लगा सैलून में आके, मुझे सैलून में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे। और बहुत ही एक होता ना एक बंदे को कि लगा कि हाँ आना चाहिए जॉब के लिए, बट ये होता नहीं कि मैंने बहुत जगह देखे कि हाउसकीपर को वैसे मानते नहीं है, उसको एक होता ना कि साफ़ सफाई के लिए ही वो आए तो साफ़ सफाई के लिए, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबने मुझे एक छोटा भाई समझा और उस अकॉर्डिंग काम सिखाया मुझे, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे जो स्टाफ बहुत अच्छा है, बट एक सुमित सर है जो हमारे जा चुके हैं छोड़ के आते जाओ, और हमने इसको पूरा पहले रफली किया था हमने इसको पूरा, तो हो गया हमारा ये कम्प्लीट पूरा। दिखाओ इसको अच्छे से, दिखाओ दिखाओ, अब कंप्लीट हो गए। और आपने तो यार बातों बातों में पूरी बात भी बता दिया, उसको कंप्लीट भी कर दिया है ना, छोटा सा काम मेरा भी कर दे यार। ये हमारा धागा, वो समझ आ गया कि सिलाई करने में ज्यादा मजा आता है मशीन से। हम इसको उल्टा करेंगे, क्या सूझ यार,
दवाई लेकर आइए ना ना।